सिद्धार्थ शुक्ला का ये सपना रह गया अधूरा। ऐसे कौन से सपने थे सिद्धार्थ के जो सिद्धार्थ नहीं कर पाए पूरा? सिद्धार्थ शुक्ला के उस अधूरे सपने की पूरी जो कहानी है ये मैं आपको शेयर करूंगी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। आपको बता दूँ कि सिद्धार्थ शुक्ला के जाने का गम और सदमा देश दुनिया के हर एक फैंस को है। ऐसे में आपको बता दूं कि उससे भी ज़्यादा बुरा इस बात को जानकर लग रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला ने एक सपना देखा था। सिद्धार्थ शुक्ला की जो इच्छा थी, जो ख्वाहिश थी, वो अधूरी रह गई। और क्या थी वो ख्वाहिश? तो आपको बता दूं कि सिद्धार्थ शुक्ला पिता बनना चाहते थे। सिद्धार्थ शुक्ला ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि मैं एक बहुत अच्छा पिता बनूंगा और मैं अपने बच्चे को बहुत खुश रखूंगा, मैं एक सक्सेसफुल पिता बनकर दिखाऊंगा। ऐसे में आपको बता दूं, वैसे तो सिद्धार्थ शुक्ला अपनी पर्सनल बातों को शेयर नहीं करते थे, लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे सवाल किया गया था, तब सिद्धार्थ शुक्ला ने अपनी इस इच्छा को जाहिर की थी, अपने इस सपने को जाहिर किया था। बिग बॉस के घर में अगर आपको याद होगा तो जब तूफ़ानी सीनियर बन के आए थे सिद्धार्थ, वहाँ हिना और गौहर उनके साथ थी, तो अपने पिता को याद करते हुए सिद्धार्थ शुक्ला के निकल पड़े थे आंसू। रो रो कर सिद्धार्थ अपने पिता को बहुत मिस कर रहे थे और तभी उन्होंने ये भी बात शेयर की थी कि वो एक बहुत अच्छे पिता बनेंगे आने वाले समय में। ऐसे में हमारे सितारे के इस अधूरे सपने के बारे में जानकर बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा है। और आपको बता दूं कि हर एक फैंस को इस इच्छा के बारे में जानकर बुरा लग रहा है। हालांकि आपको बता दूं कि सिद्धार्थ शुक्ला के ये सपने थे कि वो एक पिता बनना चाहते थे, वो पिता एक सक्सेसफुल पिता बनने चाहते थे, और अब ये जो इच्छा है सिद्धार्थ शुक्ला की अधूरी रह गई है। आप क्या कहना चाहेंगे? अपने रिएक्शंस, अपने इमोशंस हमारे साथ शेयर कीजिए। सिद्धार्थ शुक्ला की ये अधूरी इच्छा पूरी नहीं हो पाई, अधूरी ही रह गई। क्या हैं आपके इमोशंस, क्या हैं आपके रिएक्शंस, शेयर करें हमारे कमेंट सेक्शन में। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।